टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक गैस फिलिंग स्टेशन में आग लगने से ज़बरदस्त धमाका हुआ। ये धमाका इतना ज़बरदस्त था कि चंद सेकंडों में आग की ऊंची ऊंची लपटें आसमान में उठते हुए देखे जा सकते हैं। दिल दहला देने वाला ये धमाका रूस के वोल्गोग्राद के गैस फिलिंग स्टेशन में हुआ है। जानकारी के मुताबिक गैस फिलिंग स्टेशन में पहले आग लगी थी और फिर ज़ोरदार धमाका हुआ और चार लोग इस धमाके में घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें रूस के वोल्गोग्राद के गैस फिलिंग स्टेशन की है, जहां पहले आग लगी, उसके बाद ये ज़ोरदार धमाका हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये धमाका कितना ज़बरदस्त था। वहीं दूसरी खबर इंडोनेशिया से है, जहां ज्वालामुखी फटने से हाहाकार मच गया है। आसमान में करीब 2 किलोमीटर तक धुएं और राख ही राख दिखाई दे रहे हैं। ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया की उत्तरी सुमात्रा के कारो में स्थित है। सीनाबंग पहाड़ पर अचानक एक साल बाद ये ज्वालामुखी फटने से धुआं और राख काफ़ी दूर तक फैल गया है। यात्री विमानों को अलर्ट भी जारी किया गया है। इंडोनेशिया के अधिकारियों ने पर्यटक और स्थानीय लोगों को ज्वालामुखी पहाड़ी से करीब 3 किलोमीटर दूर रहने को कहा है, क्योंकि अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि ये ज्वालामुखी एक बार फिर भड़क सकता है। ये तस्वीरें इंडोनेशिया की है, जहां आसमान में आप धुएं और राख ही राख देख सकते हैं। ये तस्वीरें इंडोनेशिया की सुमात्रा के कारो में स्थित सीनाबंग पर्वत की है, जहां ये ज्वालामुखी फटा है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।